विकास जी से विकास जी की सक्सेस स्टोरी जाननी चाहिए। आज का दिन वाकई में विकास जी का दिन है। आज इस होटल को भी विकास जी के लिए बुक किया गया। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो सिर्फ विकास जी की डायमंड शिप देखने के लिए। यस या नो? तो आज उनकी स्टोरी जान करके हम महसूस कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। यहाँ पे बैठे हुए हर एक शख्स की गाड़ी आज चाहे किसी भी स्टेशन पे हो, लेकिन अगला स्टेशन डायमंड होगा। डायमंड विकास जी के चेहरे से ही पता चलता है। एकदम आप ध्यान से देख लो, एकदम टाइगर जैसी आंखें हैं और मुर्दे के अंदर भी जान डाल करके उसे डायमंड बनाने की कसम खिला सकते हैं। विकास जी में ये ताकत है। एक्साइटमेंट के वेताज बादशाह माने जाते हैं, तो उनको सुनने के लिए तैयार हैं? यस या नो? तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे ब्रांड न्यू डायमंड की हम सक्सेस स्टोरी जानने वाले हैं। खड़े होकर के बहुत जोरदार तालियों के साथ हम ये माइक इनको हैंड ओवर करेंगे। जोरदार तालियां। नमस्कार। लग रहा है टाइगर की दाढ़ भी सुनाई नहीं दी। नमस्कार। नमस्कार इंडिया। नमस्कार सिक्योर लाइफ। नमस्कार रॉयल ड्रीमर टीम। नमस्कार टाइगर टीम। आपको विकास बिंदास का एकदम बेताज नमस्कार। मोबाइल ऑफ कर लूं भाई मैं। आप सबके ऑफ है ना? गॉड, ये हमारे बिजनेस का रूल है भाई, हम भी फॉलो करते हैं डायमंड बनने तक, और जब तक रहेंगे तब तक फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनो, ओके गुड। दोस्तों, कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं कृतज्ञ हूं उन तमाम लोगों का जिनकी वजह से, जिनकी मदद से मैं आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा। थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम पावर को, जिसने अपने लाखों करोड़ों अरबों बच्चों में से मुझे चुना सक्सेस के लिए, मुझे चुना, जिसने मुझे सद्बुद्धि दी इस बिजनेस में टिके रहने के लिए। थैंक्स गॉड, थैंक्स, शुक्रिया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने मां बाप का, जिनकी कोख से मैंने जन्म लिया और जिन्होंने मेरे को ऐसे संस्कार दिए कि साला मैं गिर कर भी उठ सकता हूं। ऐसे संस्कार दिए मेरे मां बाप ने मेरे को। थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूं अपने उन अपलाइनों का जिन्होंने इस पत्थर को सारा डायमंड बना दिया। मैं कृतज्ञ हूं अपने अपलाइनों का, फिर एक बार रिपीट करता हूं, इसको अंडरलाइन करता हूं, कि जिन्होंने मुझे हर कदम पे बच्चे की तरह उंगली पकड़ के चलना सिखाया। थैंक्स माय ग्रेट 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 अपलाइन। थैंक्स अपलाइन। थैंक यू। थैंक यू। और अभी तक की सिक्योर लैब की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली टाइगर टीम को धन्यवाद, जिसने मेरा हर पल साथ दिया। थैंक्स टाइगर टीम। थैंक्स माय टाइगर टीम। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल आपकी तरह कोई खास नहीं। मेरा नाम विकास यादव, बिजनेस में आने के बाद विकास बिंदास बन गया, और जब से सिस्टम को जाना साला विकास टाइगर बन गया। थैंक यू। दोस्तों, मेरी भी कहानी कुछ अलग नहीं आपसे। मैं आप इसी भीड़ में से यहां पे उठ के आया हूं। क्या वजह है जिसकी वजह से मैं यहां पे आया, और क्या वजह है जिसकी वजह से मैं आज डायमंड बना, मैं बताना चाहूंगा। सिर्फ दो बातें, बिफोर सिक्योर लाइफ, आफ्टर सिक्योर लाइफ। आप जानना चाहते हैं ये दोनों बातें?
यस या नो? यस। मैं भी बताने में इंटरेस्ट रखता हूं और आप भी जाने में इंटरेस्ट रखते हैं, यस या नो? और मियां बीवी राजी तो साला क्या करेगा काजी। थैंक यू दोस्तों। मेरी तरह आप लोगों की तरह मेरे भी माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया। अमीरी में पला बड़ा, कभी मेरे बाप ने और मेरी माँ ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास कोई चीज नहीं है। मैं साला जब 6 साल का था तब भी मेरा बाप मेरे को ब्रांड पहना था, डोनियर शूटिंग का ब्रांड पहना था मेरा बाप। और मैं औलाद हूं जिसका नाम है श्री शेर सिंह यादव, उसका बेटा साला गीदड़ कैसे हो सकता है। और मेरे बाप ने मेरे को वो हर चीज लाके दी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द था, वो थी मेरे बाप की मेहनत जो मुझे झकझोर देती थी। लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, हालांकि मैं था, लेकिन मेरे बाप ने बहुत मेहनत किया। किसान थे, बाबा बहुत गरीब थे, लेकिन मैं अमीरी में पला बड़ा मुझे एहसास, लेकिन जब भी वो मेहनत करते थे उनके पसीना टपकता था, एक ही चीज होती थी कि यार अगर साला मैं अपने बाप का असली खून हूं तो एक बार मरने से पहले उनका कर्ज जरूर उतारूंगा साला। और मैं सोचने लगा यार क्या करूं, पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था जैसा आप लोगों का नहीं लगता, बिल्कुल आप लोगों की तरह था, तभी तो आप और हम दोनों यहां पे हैं। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे होते तो कहीं सो रहे होते, सोच रहे होते सुबह फाइल कहां से पूरी करेंगे हम। थैंक यू। पढ़ाई में मन नहीं लगा, पापा ने 6-6 ट्यूशन लगा दी, चाचा बैठे हैं साला लातों से पिटाई करते थे ट्यूशन, सामने बैठे हैं, बोला साले तो कुछ करेगा ही नहीं। और हमारे एक टीचर और बैठे हैं यहां पर भी, दोनों ही बैठे, इतनी मार मारते थे मेरे में, लेकिन मैं बड़ा मजबूत, तुम मार लो साला, हम करेंगे वही जो मेरा मन करेगा। हाई स्कूल किया, पापा बोलते थे, बोला बेटा तेरे को साले नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, क्योंकि बस क्योंकि वो ये जानते थे जहां पे वो जाते थे दूध का व्यवसाय करने के लिए, उस गांव में सारे लोग नौकरी करते थे, तो उनके दिल में आया कि यार मेरा बेटा भी नौकरी करे। पापा ने मुझे बताना शुरू किया, बेटा तेरे को नौकरी करनी है, शरीर बना, ये कर वो कर, आपने बाकी की डॉक्यूमेंट्री में देख ही लिया होगा, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, शॉर्टली बताता हूं। और मेरे पापा ने मेरे को दिमाग में डाला कि तुझे नौकरी करनी है, लेकिन मेरी एक जिद है, मैं बड़ा जिद्दी टाइप का बंदा हूं, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर देता हूं तो साला मैं अपने बाप की और अपने बाप की दोनों की नहीं सुनता। कमिटमेंट किया, बोला साला मैं अपनी खून, अगर मैं आपकी खून की पैदाइश हूं तो साला मैं पक्का फौज में भर्ती होके दिखाऊंगा। और मैं 13-14 साल की दौड़ लगाना शुरू कर दिया, ये वो जो भी था, मैं बोला मेरे को अब हाईस्कूल पास कराओ चाहे साला नकल से कराओ, कैसे भी कराओ, हाईस्कूल पास कराओ मैं भी भर्ती हो जाऊंगा। पढ़ाई में मन लगता नहीं था यार, हाईस्कूल पास किया, इंटर जैसे ही पास किया, पापा ने जैक बैग जो भी होता है लगा लेके को साला मेरे को फौज में भर्ती करा दिया। एकदम घर में गांव में रिश्तेदारी हल्ला मच गया, अरे भाई उनका लड़का नौकरी से लग गया, मैं भी साला फूला नहीं समा रहा हूं, एकदम ऐसा कॉलर करके खरंजे पे आया, भाई नौकरी शौकरी लग गई मेरी। लेकिन इतनी भाई भाप है, कहते हैं कि नौकरी जो होती है, नौकरी बारे में एक बात बोला जाता है, नौकरी में तो लग गया, सारा सब कुछ हो रहा था, पापा का सपना था वो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन मेरी मां का सपना अधूरा था। मां ने बोला बेटा कुछ और कर, कुछ बड़ा। मेरी मां की आंखों में हमेशा बड़े बड़े सपने रहते थे, जब भी मैं जाता था छुट्टी, अरे उसने ये प्लॉट ले लिया, उसने ये जमीन ले ली, जितना तू फौज में कमाता है, जितना तू सर्विस में कमाता है, इतना तो वो पेट्रोल जला। एक हमारे भाई साहब हमारे घर पे आते थे इंडिका लेके, वो यही डायलॉग मारते थे, बोला यार जितना भाई साहब फौज में, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, क्यों? बोला भाई साहब ऐसा है जितना तुम फौज में कमाते हो यार इतना तो मैं साला अपनी गाड़ी में पेट्रोल उड़ा देता हूं,
मैं बोला यार क्या करें यार, इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, नौकरी सारी लगनी छो तो लग गई, अभी क्या करें यार समझ में नहीं आ रहा है, उसी में लग गए। मैं बोला आप अफसर बनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सारी तरफ सब कुछ किया लेकिन कुछ भी हुआ नहीं यार। पापा मम्मी हल्की खुश थे लेकिन मैं अपनी मेहनत से खुश नहीं था, क्योंकि मेहनत तो साला मेरे खून में बसती है, मेहनत तो मेरे खून में है, मटर गश्ती नहीं, मेहनत तो साला खून में बसती है मेरे। और मैं सोच ही रहा था कुछ हो कुछ हो। जब भी भगवान की पूजा करता था मैं एक ही चीज बोलता था, हे भगवान यार एक मौका दे, अगर एक मौका दिया तो मां कसम पूछ उखाड़ दूंगा उसकी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मौका दे यार एक मौका, अरे पूछ नहीं सारा पूरा उखाड़ लूंगा एक मौका। भाई मौका मिलने वाला है नहीं, एक साल सर्विस का हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, चार साल हो गया, भाई नौकरी में ही रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, कोई जिंदगी नहीं यार नौकरी में मेरी। मैं सोच रहा यार अपना खूबसूरत चेहरा बनाया है भगवान ने, माँ बाप ने छुआरे बादाम, और पता नहीं पापा जहां से छुआरे बादाम लेके आते थे दुकानदार क्या बोला, भाई साहब के घोड़ा चुंगा रहे हो क्या, इतना कौन खाता है, अरे इतना पापा खिलाए। मैं बोला यार पापा ने मेरे को इसीलिए छुआरे बादाम खिलाए नौकरी करने के लिए यार। लेकिन कहते हैं आपकी आंखें और आपका भेजा जिस चीज को सोचता है और जिस चीज को ढूंढता है वो एक दिन एक वो चीज मिली जाती है। यस या नो, वो आया, वो दिन आया। और दोस्तों मैं जिसकी तलाश में था वो दिन आ गया मेरी जिंदगी में, वो सन और वो दिन और वो डेट 2009 16 जून का वो दिन था। थैंक्स गॉड, मैं कृतज्ञ हूं उस इंसान का जिसने मुझे ढूंढा चुना प्लान दिखाने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर ओमबीर जी, मिस्टर शैलेंद्र जी का। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए यार जबरदस्त थालियां। उन्होंने मेरे को पता नहीं क्या देख लिया और उन्होंने मेरे को बोला विकास जी भाई तुम्हारे लायक एक चीज है, और जैसे लोग बोलते ना पटाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते, उन्होंने बोला तुम भी आगरा के हो, मैं भी आगरा के हूं, और एक चीज दिखाते हैं। उन्होंने मेरे को दिखाया वही जो आप लोगों ने देखा। क्या देखा आप लोगों ने? अरे क्या देखो, अरे भाई साहब वो बड़ी दमदार चीज है, जिसको भी दिखाओ उसको साला विकास बिंदास बना देती है, वो है प्लान, प्लान। और बिना प्लान के विकास बिंदास पैदा नहीं होता, विकास टाइगर पैदा नहीं होता। अब प्लान था, हम प्लान दिखाने से डर जाते हैं, हम प्लान दिखाने नहीं जाते, बोलते जीड नहीं आती। लेकिन बहुत शख्स का मैं कृतज्ञ हूं, उसने मेरे को प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद अपने बाप ने कभी मार्केटिंग की किताब पढ़ी नहीं, अपने बाबा ने कभी कोई सेल्स का धंधा किया नहीं, मैंने भी ऐसा कभी कुछ किया नहीं। और प्लान देखने के बाद अपन को कुछ भी भेजे के पल्ले पड़ा नहीं, और जब भेजे में कुछ घुसा नहीं, और वो बोलते कि कैसा लगा कैसा लगा, मतलब बढ़िया लगा बढ़िया लगा, क्योंकि आज तक मैं किसी चीज की बुराई तो करता ही नहीं हूं, बढ़िया लगा, आप लोगों की तरह ही हूं मैं। यस नो, और उसके बाद मैं बोला ठीक है सर बढ़िया चीज है, और मैं चलने के लिए हुआ, बोला विकास जी रुको एक चीज और दिखाते हैं। उन्होंने लैपटॉप खोला, बुफर लगा के, पहले ही पता नहीं उन्होंने गुरु मंत्र सारा पूरा एकदम सेटिंग एटिंग करके रखी थी, बोला इसको कैसे भी करके फंसाना है भाई साहब। और मैं गया, मैंने सारा चीज, मैंने ठीक है सर बढ़िया है, लेकिन उन्होंने वीडियो लगाया और उस वीडियो का नाम था जो बड़ा मैं बड़ा दिखाता हूं भाई, आप लोग भी दिखा सकते हो। यस नो, और बोला जाता है कि प्लान दिखाने के बाद अगर वो स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो 100% बंदा फॉरम साइन अप करता है। और मैंने भी वो वीडियो देखा और उन्होंने वो वीडियो दिखाया, और जैसे वीडियो दिखाया एकदम लिख के आता है कुछ कर गुजरना है, बूम बूम बूम। अरे साला उसमें लिख के आया कुछ कर गुजरना है, बूम बूम। मेरे एकदम में बोला ये क्या, मेरी आंखें फट गई। मैं बोला सर, उन्होंने आगे और थोड़ा बढ़ाया, एक आदमी देखा इधर उतर रहा है स्टेज से, जैसे मैं भी उतरा, उसके ऊपर फूल मालाएं। मैं बोला यही यही, मैं बोला रोको, करना क्या है मेरे को, अभी बताओ करना क्या है। उन्होंने बोला विकास जी कुछ नहीं करना भाई, फॉर्म साइन करना, किधर है
लाओ, इतनी देर कर दी, फॉर्म वॉरम दिखाया, मैंने साइन मारा। हम लोग बोलते फॉर्म साइन अप नहीं होता, अरे वीडियो दिखाओ, फॉर्म क्या, फॉर्म का बाप भी साइन करेगा वो। मेरे जैसे बहुत टाइगर घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, मेरे से भी बड़े बड़े जो अभी आने बाकी हैं। बस प्लान दिखाने के बाद कसम खाइए, साला प्लान दिखाने के बाद उसकी टॉयलेट बाद में होगी, पहले आपका वीडियो चलेगा, देखेगा, फॉर्म साइन अप करेगा पहले। और वीडियो देखने के बाद मैंने फॉर्म साइन अप कर दिया। आपने किया? किया? यस या नो? पीछे वालों, अरे इधर वाले, आगे वाले, इधर वाले, मैंने भी फॉर्म साइन अप कर दिया। फॉर्म साइन अप करने के बाद इंसान क्या सोचता है, क्या बोला जाता है? तो ना यार, कितने लोग? बोला भाई साहब दो लोग ज्वाइन कराने हैं। मैं बोला ठीक है सर, मैं अभी दो लोग, अपना तो झापा है, मैं दो को क्या, मैं अभी करता हूं। और मैं गया, मैं सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त के पास गया, बोला भाई एक कंपनी है, नाम तो पता नहीं, लाइव शिकर है, शिकर पता नहीं, लेकिन भाई साहब अगर आ जाते हैं तो बड़ा मजा जिंदगी है। बोला क्या मजा है? मैं बोला बहुत मजे की जिंदगी है। और मैं उसको भी पकड़ के लेके गया, उधर तो जब प्लान दिखाते हैं उसको तो वो हाँ हाँ कर रहा था। बोला मैं तेरे साथ ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा। जैसे ही वो मेरे को उधर लेके गया, मेरे को बोला भाई साहब वो फूंक मारने वाली कहानी सुनी है ना, कि सुनाऊं? सुन रखी है? चलो बहुत बढ़िया। वही कहानी मेरे साथ हो गई, मैंने बिना सीखे उसको बताया जाके, कई सारे लोग बिना सीखे हुए जाके बताते हैं, और मैंने भी वही गलती कर दी, क्योंकि इच्छा होती है, यस या नो? और बहुत सारे लोगों की इच्छा जो होती है वो करते ही करते हैं, मैंने भी वही किया। और जाने के बाद उसने मेरे को बोला, जहां की ये कंपनी है भाई साहब, मैं वहीं का रहने वाला हूं, और ऐसा वैसा विकास कुछ होता नहीं है, और वो बंदा जो तेरे को प्लान दिखाया है वो है पेंशन जाने वाला साला, और वो तेरे को कहीं ना कहीं फंसाने के मूड में है, क्योंकि उसकी पेंशन पक गई और वो नौकरी छोड़ के जा रहा है, तुझे फंसा लेगा और तेरे 8,500 चूना लग जाएगा। अब मैं किसकी बात मानूंगा, अपने जिगरी दोस्त की या उस, किसकी बात माननी चाहिए? अरे हम वही तो गलती कर देते हैं भाई साहब, उस दोस्त के चक्कर में साला मैं 7 महीने लेट हो गया। 7 महीने तक ये बिजनेस मैंने ज्वाइन नहीं किया, और चोर और सिपाही का खेल खेलता रहा। जिसने मुझे प्लान दिखाया वो मेरे पीछे पीछे, और मैं कभी चारपाई के नीचे, कभी बाथरूम में, मैं बोला इधर आ जाएगा, मैं बोला हे भगवान क्या करूं, ये साला छोड़ता ही नहीं है। मेरे को बोला विकास तुझे गुस्सा बहुत आता है यार, तू लड़ ले उससे एक बार। मैं बोला ठीक है, मैं लड़ता हूं उससे, आने दे। बोले लड़ लेगा तू तो यार फिर तेरे पास वो आएगा ही नहीं। मैं बोला ठीक है यार, ये आइडिया बढ़िया है। और जैसे ही वो शख्स आया, टॉपी लेके आया, बोला विकास जी टॉपी खाओ। बोला टॉपी भाई साहब आप ही खा लो, मेरे को टॉपी अभी नहीं खानी, और खबरदार दोबारा मेरे को मोबाइल वोबाइल किया था ठीक है, और दोबारा फोन किया तो पटक पटक हो जाएगी भाई साहब ठीक है। पेंशन जाने वाले बुढ़ापे में हाथ को टूट दूं, हुए यहां तक बात हो गई मेरी। लेकिन वो शख्स भाई साहब जिगर बहुत बड़ा, और बोला जाता है फॉलोअप के बारे में, एक बात मैंने सीखी इस बिजनेस के बारे में कि फॉलोअप तब तक करना चाहिए, तब तक करना चाहिए, या तो साले डीडी दे दे या तो साला कहीं जाके मर जाए, तब तक फॉलोअप करना चाहिए। भाई साहब अपने दिन तो पूरे हुए रही थी मरने के, अब इतना फॉलोअप किया तो दो ही काम होने हैं। जब किसी इंसान का फॉलोअप करोगे तो क्या होगा, या तो ज्वाइन करेगा, और इतना करिए उन्होंने, बस मैं मरा तो नहीं साला, लेकिन थैंक्स गॉड एक शख्स आया जिसका नाम था मिस्टर संजय। इनसे तो झगड़ा कर दिया था मैंने प्लान दिखाया, थैंक्स गॉड मिस्टर संजय जो बंदा है वो आया, और उन शख्स ने मेरे को एक इंसान से मिलाया। मिलाने के बाद मेरे क्वेश्चन कुछ थे नहीं, क्योंकि रिस्क लेने का अपने में जिम्मा बहुत है, क्योंकि साला मैं वहां उस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं जिस डिस्ट्रिक्ट में लोग साला मौत से खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का। अब उनको डर था नहीं, और बंदा लेके गया एक शख्स के सामने, ले जाके बैठा दिया। शख्स ने पूछा हाँ जी विकास जी ये वो, लेकिन थैंक्स
नहीं ऐसा क्या था। और मैंने उस शख्स को जाके ना मैंने किंतु परंतु लेकिन कल परसों कुछ नहीं किया, और पता नहीं ऐसा क्या था कि मैंने 16 नवंबर 2009 को मैंने शिकुर लाइफ में अपनी डीडी दे दी। और डीडी देने के बाद अभी यहां से खेल शुरू होता है डायमंड बनने का। आप सुनना चाहेंगे? आज मेरे को डायमंड बनने में मात्र और मात्र और मात्र और मात्र थैंक्स गॉड मात्र 1000 दिनों में मैंने ये डायमंड शिप पूरी की है। 1000 डे, ओनली थ्री इयर्स। और लेकिन इतनी तेजी से मैंने ये सब किया, इसकी क्या वजह रही होगी दोस्तों? क्या हुआ, ज्वाइनिंग देने के बाद मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ, लोग पता नहीं यार क्यों भटक जाते हैं, मेरे साथ कई सारे बंदे उस समय ज्वाइन किए, वो पता नहीं कहां भटक गए, किधर चले गए, मेरे को पता नहीं। लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था कि भाई साहब कैसे भी करके चाहे मेरे को अपनी जान देनी पड़े, और साला अगर बात आ जाए तो किसी की जान लेनी पड़े, पर डायमंड तो पक्का भाई साहब बन के दिखाऊंगा, डायमंड तो नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि यार एक ही मौका भगवान देता है जिंदगी में, और मुझे भगवान ने मौका दिया अपने बाप का और अपनी मां का नाम रोशन करने का, मैं इसे जाने नहीं देता। और दोस्तों मेरे को बताया, बोला पिकासी अगर आप एक फंक्शन होने वाला है, और ये बताया एक शख्स ने, और दोस्तों मैं कृतज्ञ हूं शख्स का जिन्होंने मेरे को हमेशा और हमेशा और हमेशा और आज तक और आगे भी उन्होंने हमेशा और हमेशा मेरे को पाल पोस के इस बिजनेस में बड़ा किया, मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सारी चीजें उन्होंने वो की जो मुझे चाहिए थी। दोस्तों उनका नाम है वीरों के वीर, और जोरदार तालियों से उनके नाम लेना चाहेंगे, मिस्टर जसवीर, जोरदार तालियां। सीधा उनकी मैं डायरेक्ट गाइडेंस में आया, और उनकी गाइडेंस में आने के बाद उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने सारी चीजें दिखाई, और सारी चीजें दिखाने के बाद वो मेरे को लेके गए, एक फंक्शन होने वाला था जोधपुर में, और जोधपुर में फंक्शन होने वाला था जिस तरीके से आज आप इस फंक्शन में आए हो, इसी तरीके से मैं भी एक फंक्शन में गया था। और फंक्शन में जाने के बाद वहां पे मैंने, उन्होंने बोला 3 की ज्वाइनिंग डालनी है, लेकिन मैंने साला फटाफट, क्योंकि मुझे सफलता लेनी थी, उन्होंने बोला अगर आपको डीडी निकालनी है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, यस या नो, लिस्ट बनाई मैंने। मैं बोला सर आप साला मैं